ये यूपी के सरकारी स्कूलों की कहानी है या कागजों पर सब ओके है मगर हकीकत में सब कुछ बेमानी है। घर जाने की जल्दी में टीचर झटपट स्कूल ऐसे बंद करा रहे हैं कि बच्चे क्लासरूम में छूट जा रहे हैं। कहीं बंद स्कूल से झांकती बच्ची सिस्टम को आईना दिखा रही है तो कहीं स्कूल में झाड़ू लगाती बेटियाँ सरकारी शिक्षा की कड़वी हकीकत बयां कर रही हैं। उसी तरह जैसे बरेली में सुदूर देहात के एक स्कूल की छत दरक गई थी और कई बच्चे चुटैल हो गए थे, जिले के अफसरों को कई दिन बाद भी वहाँ के बद से बदतर हालात अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं मिला है। भलाओ सोशल मीडिया का जो स्कूलों के इंतजाम बेमानी दुनिया को दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो किसी को भी झकझोर सकते हैं। पहला मामला बुलंदशहर के गुलाबडी क्षेत्र का है, जहाँ के एक सरकारी स्कूल में टीचर स्कूल बंद के चर्च भला हो सोशल मीडिया का जो स्कूलों के बेमानी इंतजाम दुनिया को दिखा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दो वीडियो किसी को भी झकझोर सकते हैं। पहला मामला बुलंदशहर के गुलाबडी क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का है, जहां टीचर स्कूल बंद करके चले गए और एक बच्ची क्लासरूम में ही बंद रह गई। सुनसान इमारत और उसमें कैद अकेली मासूम बेचारी रोटी पीटती रही। काफ़ी देर बाद जब कोई गाँव वाला वहाँ से गुजरा और बच्ची को स्कूल में बंद देखा तो किसी तरह स्कूल खुलवाकर उसे बाहर निकाला गया। दूसरा मामला भी बुलंदशहर जिले का है, जहां अगौता क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में छात्राएं पढ़ाई के वक्त मैदान में झाड़ू लगाती देखी जा रही हैं। बच्चियों से स्कूल की सफाई कराने का वीडियो वायरल हुआ तो टीचर तरह तरह की सफाई दे रहे हैं।